लगातार कर्नाटक के सियासी संकट पर हम बने हुए हैं। बेंगलुरु में कर्नाटक विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी, उसके बाद प्रोटेम स्पीकर सभी सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। आपको बता दें, हालांकि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में बोपैया की नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हो जाएगी। सुबह 10:30 बजे सुनवाई है। बोपैया को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है। कांग्रेस का कहना है कि परंपरा के मुताबिक जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं उन्हें ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना चाहिए। कांग्रेस के विधायक आरवी देशपांडे सबसे सीनियर हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीजेपी के अनुकूल रहा तो प्रोटेम स्पीकर बोपैया ही नए विधायकों को शपथ दिलाएंगे। आइए आपको बताते हैं कौन है केजी बोपैया जिन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। ये जो प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है वो राज्यपाल की तरफ से बनाया गया है। आपको बताते हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता केजी बोपैया कर्नाटक विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं। उनके बारे में जान लीजिए, जो हम बता रहे हैं, 63 साल के बोपैया साल 2008 में भी प्रोटेम यानी कि अस्थाई स्पीकर रह चुके हैं। बोपैया साल 2009 से 2013 तक कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर रहे हैं। कर्नाटक की विराजपेट विधानसभा से जीत कराए बोपैया को येदुरप्पा का बेहद करीबी माना जाता है। 3 बार ये विधायक रहे हैं और येदुरप्पा जो कि मुख्यमंत्री हैं, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री, उनका बेहद करीबी इन्हें कहा जाता है। आज गवर्नर ने इतना अनडेमोक्रेटिक निर्णय ले लिया, उस पर सुप्रीम कोर्ट की ये फटकार पड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नर साहब ने फिर प्रोटर्म स्पीकर जो बनाया वो फिर गलत बनाया। पूरे देश में और पूरे प्रदेशों में और पूरे पार्लियामेंट में जो सबसे सीनियर एमपी या एमएलए होता है उसको प्रोटर्म स्पीकर बनाते। जब पिछली दफ़ा भी येडियुरप्पा 5 साल पहले मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त ये व्यक्ति जिसको आज प्रो टर्म स्पीकर बनाया है, उस वक्त तीसरा ही टर्म था और उसको उन्होंने उस वक्त भी प्रो टर्म स्पीकर बनाया था। तो माननीय गवर्नर को मालूम है कि इस प्रो टर्म स्पीकर को पहले भी फटकार पड़ी है सुप्रीम कोर्ट की, उसको फिर अपॉइंट कर रहे हैं प्रो टर्म स्पीकर। उसका मतलब है कि गड़बड़ बनाने कर अब आखिरी वक्त भी सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद भी उनके मन में गड़बड़ करना ये सोच रहा है। ये कितनी शर्म की बात है कि सोच कितनी खराब है इन लोगों की। और बोपैया जिन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है उनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंची है जेडीएस और कांग्रेस, जिस पर सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी। नजर बनी हुई है क्योंकि 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही बेंगलुरु में शुरू हो जाएगी। इस बड़ी खबर पर लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।